हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉपर के विषय में। कॉपर पे डिस्कस करेंगे, गोल्ड और सिल्वर को भी इसी क्लास में हम देखेंगे। देखिए, जो कॉपर है यानी इसको कहते हैं तांबा। तांबा जो है भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, लेकिन प्राचीन काल से ही, प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग जो है उसकी जानकारी थी। हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है इसके उपयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और उससे पहले से भी प्रयोग किया जाता था। तांबा जो है वो आयरन के पहले से प्रयोग किया जा रहा है। आयरन तो बाद में आया, हालांकि आयरन सस्ता था, ज़्यादा मात्रा में था और तांबा से ज़्यादा उसका उपयोग होने लगा जो है पारंपरिक जीवन में, इसीलिए आयरन आगे निकल गया। लेकिन तांबा जो है पहले से ज्ञात धातु है। तांबा क्या है? तांबा जो है एक धातु है। तांबा इसको कहते हैं कॉपर। ये क्या है? देखिए, ये धातु है और किस प्रकार की धातु है? अलौह धातु। हमने जब बात की थी आपसे खनिज पर, तो हमने कहा था कि धात्विक खनिज होते हैं, जो धातुएं होती हैं उसमें भी दो कैटेगरी हैं। एक धातुएं होती हैं जिनमें लोहा होता है, तो उसमें लोहा तो सबसे प्रमुख है क्योंकि वो लोहा ही है। उसके बाद हमने एक बात की मैग्नीज की, मैग्नीज में भी लोहा होता है। इसी प्रकार से निकिल है, टंगस्टन है, इन सब में थोड़ा न थोड़ा लोहा ज़रूर होता है। लेकिन जो तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस तरह की जो धातुएं हैं इनमें लोहा नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको कहते हैं अलौह धातुएं, बिना लोहे वाली धातुएं। ये जो है तांबा प्रागैतिहासिक काल से ही यूज होता था। प्रागैतिहासिक काल से ही प्रयोग होता था आयरन से पहले। आयरन से पहले अगर हम कुछ साक्ष्यों की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन और उससे पहले पूर्व हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा से पहले, इन सब जगहों पर जो है जब की गई खुदाई तो वहाँ से पता चला कि यहाँ पर ब्रांज और कॉपर यूज किया जाता था। अब देखिए, तांबा कई प्रकार से यूज किया जाता है। मुख्य रूप से जो कॉपर है उसमें जब हम टिन मिला देते हैं तो एक धातु बनती है, मिश्र धातु तांबा की, उसको कहते हैं ब्रांज। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में विशेष करके ब्रांज यूज होता था। देखिए, तांबा ले लीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि तांबा और टिन अगर मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? उसको बोलते हैं कांसा या कांस्य। कांस्य यानी ब्रांज। ब्रांज, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को ब्रांज एज या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? इसके साक्ष्य जो है आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य हैं इसके। इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर कांस्य की मूर्तियाँ, कांस्य के बर्तन यानी बहुत सी चीज़, मोहरे वगैरह कांसा की बनाई जाती थी। और कांसा क्या होता है? कांसा में तांबा के साथ में टिन मिलाया जाता है। अगर हम तांबा के साथ में यानी कॉपर के साथ में जस्ता मिला दें तो जस्ता के साथ मिलने पर बनता है पीतल। तो एक तो ये मिश्र धातु है इसकी, दूसरी एक मिश्र धातु है तांबा के साथ में हम मिलाएंगे, तांबा प्लस जस्ता तो बनता है पीतल यानी ब्रास। ब्रास पीतल बन जाता है। तांबा कई धातुओं के साथ जो है मिक्स करके बहुत सी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं जिससे अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे आभूषण बनाने में भी तांबा का, कॉपर का प्रयोग होता है और सोने को मजबूत करने के लिए भी तांबा मिलाया जाता है। एक और बनती है, जैसे कि इसमें हम अगर तांबा के साथ में सोना मिला दें, तांबा प्लस सोना, इसका प्रयोग करके रोल्ड गोल्ड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे रोल्ड गोल्ड क्या है? रोल्ड गोल्ड जो है आभूषण बनाने में प्रयोग होता है, आभूषण में, ज्वेलरी बनाने में। इसमें तांबा और सोना यानी तांबे के ऊपर सोने का वर्क चढ़ाते हैं मिक्स करके, तो उससे एक धातु बनती है
तो इन इन रूपों में तांबे का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पे तांबा उपयोग होता है। अगर कापर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में तांबे के तार जो होते हैं, कापर के वायर जो होते हैं, वो ट्रांसफार्मर, डायनमो, मोटर, बिजली के तार। तांबा विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, इसीलिए बिजली के काम के लिए जो वायर बनते हैं उसमें तांबा बहुत प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इसके उपयोग देखें पहले, उपयोग, फिर हम बात करेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ से तांबा निकाला जाता है। तो उपयोग देखिए, तो पारंपरिक रूप से देखें तो बर्तन बनाने में उपयोग होता है, यानी कांच से बना करके, पीतल बना करके, इन सब चीज़ों के बर्तन बनाए जाते हैं। और बिजली के तार बनते हैं, जो प्रमुख इसका उपयोग है, बिजली के तार। और ये बिजली के तार जो है मुख्य रूप से मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि लोग कहते हैं कापर वाला मोटर दीजिए, या डायनमो, बिजली बनाने वाला डायनमो, या ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ट्रांसफार्मर, इन सब में जो है कापर के वायर पड़ते हैं। रसायन उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, रसायन उद्योग, स्टील उद्योग, स्टील के उद्योग, आभूषण, आभूषण बनाने वाला तो बहुत ज़्यादा आपने प्रयोग देखा होगा अपने जीवन में, रोल्ड गोल्ड बना करके इसके आभूषण बनते हैं। और सोने को मजबूत करने में, आभूषण में जो है सोने को मजबूत बनाने के लिए, गोल्ड को, सोने को मजबूत करता है ये, कुछ मात्रा में स्वर्ण में मिला दिया जाता है जिससे गोल्ड जो है वो मजबूत हो जाता है। और इसका जो है बैटरी बनाने में, सेल जो होता है उसमें भी कापर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से बहुत से उपयोग हैं इसके। स्टील इंडस्ट्रीज में जो है स्टील बनाने में थोड़ा कापर जो है वो मिलाया जाता है लोहे के साथ में। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट हैं, कांसा आपसे पूछा जा सकता है किन किन चीज़ों का मिश्रण है, तो तांबा और टिन, तांबा और जस्ता मिला करके पीतल बनता है, और तांबा और सोना कहलाता है रोल्ड गोल्ड, या इसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है, रेड गोल्ड भी। अब देखें भारत में जो है तांबा कहाँ पाया जाएगा, तो सबसे पहली बात करते हैं कि तांबा पाया किस चीज़ में जाता है। तो देखिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं, जो सिस्ट और फाइलाइट प्रकार की चट्टानें हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप हैं सिस्ट और फाइलाइट, उसकी सिराओं में, वेंस में जो है पाया जाता है तांबा। कहाँ पाया जाता है नोट करें, तांबा देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, और धारवाड़ क्रम में विशेष करके जो होती हैं कैंत्रित चट्टानें सिस्ट एवं फाइलाइट, फाइलाइट प्रकार की चट्टानें होती हैं सिस्ट और फाइलाइट की सिराओं में, सिराओं में, वेंस, वेंस में, यानी जैसे कि कोई इस तरह से कोई चट्टान का टुकड़ा है तो उसमें इस तरह से वेंस होती, नसें होती हैं, जो सिराएं होती हैं उन्हीं में जो है कापर पाया जाता है। देखिए इसमें जो पाया जाता है ये 0.87% से लेकर के 3% तक पाया जाता है, यानी कोई भी चट्टान जो इसका अयस्क है उसमें बहुत ज़्यादा तांबा नहीं होता है, तांबा 3% तक होता है उसमें, या लगभग 1% से कम भी। भारत में जो तांबा है वो बहुत कम है, भारत में तांबा, कापर बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, कितना कम, विश्व का केवल 1%, पूरा विश्व में जितने हैं विश्व का 1% लगभग, यानी कि हमारी आवश्यकता से कम, हमारी आवश्यकता से कम। इसका मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमारे यहाँ तांबे का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं और हमारे पास तांबा कम है, इसीलिए हम बाहर से मंगवाते हैं, यूएसए से, मैक्सिको से, यूनाइटेड किंगडम से, इन सब जगहों से हम आयात करते हैं। तो भारत में तांबा आयात किया जाता है, भारत में तांबा आयात किया जाता है। कहाँ से, यूएसए से आयात करते हैं, या
हम मैक्सिको से भी आयात करते हैं, मैक्सिको मैक्सिको से, तो इन सब जगहों से जो है मंगवाया जाता है तांबा, क्योंकि तांबा हमारे यहाँ कम होता है। अब जो तांबा होता है वो कहाँ पे होता है, तो देखिए एक ये राजस्थान क्षेत्र आप जानते हो, मध्य प्रदेश जानते हो, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड। तो अगर भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है इसके तांबा के राजस्थान में है, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो उत्पादन में नंबर वन पे है। तो इसका भंडार कहाँ कहाँ पे है, भंडार सर्वाधिक भंडार जो है नंबर एक पे राजस्थान में है, राजस्थान, और दूसरे नंबर पे है झारखंड, ये दो नंबर पे है, और तीन नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में मैग्नीज में भी आपको हमने बताया था कि मैग्नीज भी वहाँ पाया कम जाता है, भंडार कम है लेकिन निकाला बहुत जाता है। अगर हम उत्पादन की बात करें कि कहाँ से ज़्यादा तांबा निकाला जाता है, तो नंबर एक पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है, और उसके बाद में झारखंड से, उसके बाद में आपका उत्पादन होता है राजस्थान में, राजस्थान, और तीसरे नंबर पे होता है झारखंड में, झारखंड। उत्पादन की दृष्टिकोण से ये क्रम है। चलिए बात करते हैं कि तांबे का कौन सा प्रमुख अयस्क है। अयस्क तीन प्रकार के अयस्क जो है तांबे के पाए जाते हैं। देखिए तांबा के अयस्क यानी कापर के अयस्क, तांबे के अयस्क ओर ऑफ कापर, देखिए तीन प्रकार के तांबे के अयस्क पाए जाते हैं, तीन प्रकार की चट्टाने हैं। एक में तांबा जो है सल्फाइड के रूप में होता है यानी सल्फाइड, एक होते हैं ऑक्साइड और एक होते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट। यानी कि तांबे के जो अयस्क हैं वो तीन प्रकार के हैं, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। अब तीनों में कुछ प्रमुख प्रमुख उदाहरण हैं जो आपसे ग्रुप वाइज भी पूछे जा सकते हैं, मैचिंग करने के लिए दिए जा सकते हैं, और तांबे के अयस्क के नाम में तो आप उसे याद ही रखेंगे। देखिए जो सल्फाइड हैं इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है चेल्कोपाइराइट, 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 और दूसरा है चेल्कोसाइट, चेल्कोसाइट, और तीसरा है बोरनाइट, बोरनाइट, ब्रोनाइट नहीं है, बोरनाइट, बोरनाइट। यही तीन प्रमुख अयस्क हैं, ये सबसे यानी जो सबसे ज़्यादा तांबा निकाला जाता है वो इन तीन प्रमुख अयस्कों से निकाला जाता है, और ये तीनों सल्फाइड हैं, चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट और बोरनाइट। इसके बाद जो है ऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में जो अयस्क होते हैं वो है क्यूपराइट, ऑक्साइड में कौन सा आएगा, क्यूपराइट, क्यूपराइट, और कार्बोनेट में आपको याद रखना है मैचेलाइट, मैचेलाइट। तो ये तीन ग्रुप हैं अयस्कों से, तीनों के अलग अलग नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रमुख हमने अयस्क देखे, देखिए फिर से अयस्क को देखें, जो तांबा निकाला जाता है वो तीन प्रकार के अयस्क से निकाला जाता है। एक जो ग्रुप है वो सल्फाइड है, सल्फाइड में आपको चेल्को याद रखना है, चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट और बोरनाइट। देखिए एक ब्रोनाइट अलग है, बोरनाइट है ये, ऑक्साइड जो होता है वो क्यूपराइट अयस्क होता है, और जो कार्बोनेट होता है वो मैचेलाइट होता है, एजुराइट भी होता है इसमें एक, तो एक आप याद रखें मैचेलाइट। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से तांबे का कौन सा अयस्क जो है वो सल्फाइड प्रकार का है या ऑक्साइड प्रकार का है, तो आपको ये विकल्प दिए रहेंगे, आपको इसमें से निकालना होता है। देखिए सल्फाइड का मतलब है उसमें सल्फर है, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाया है, और कार्बोनेट का मतलब है उसमें जो है CO3 यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिला करके यौगिक बना है कापर के साथ में। तो कापर तो सभी में है लेकिन इसमें सल्फाइड है, इसमें ऑक्साइड के साथ में है और इसमें
कार्बोनेट के साथ में है, CO3 यानी CO के साथ में है। तो ये तांबे के अयस्क हैं। और हमने बताया कि पाया कहाँ जाता है, यानी ये अयस्क कहाँ पाए जाते हैं, ये हमने आपको बताया कि ये धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये तीनों ये कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में, धारवाड़ प्रकार के चट्टान, धारवाड़ प्रकार की चट्टान। अब धारवाड़ प्रकार की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि धारवाड़ प्रकार की चट्टानें यहाँ आरावली रेंज में पाई जाती हैं, यहाँ कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पाई जाती हैं, बालाघाट वगैरह में, और यहाँ छोटा नागपुर का पठार, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश वगैरह इलाका। तो ये जो इलाके हैं वहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो निश्चित तौर से वहीं पर इन्हीं क्षेत्रों में तांबा भी पाया जाता है। अब देखिए, तांबा हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा भंडार राजस्थान में है, आरावली जो रेंज है वो धारवाड़ रेंज है, यहाँ पर तांबे का बहुत ज़्यादा भंडार है। और भारत में तांबा सबसे प्राचीन काल से जो निकाला जा रहा है वो राजस्थान की खेतड़ी खान से ही निकाला जा रहा है, वो सबसे प्राचीन खान है, सबसे गहरी खान है भारत की। लेकिन इस समय वर्तमान में जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है, बालाघाट में, बालाघाट जिला का क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा तांबे के लिए प्रसिद्ध है उत्पादन के लिए, और उसके बाद में झारखंड और फिर कर्नाटक वगैरह ये सब क्षेत्र भी हैं जहाँ से निकाला जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि तांबा कहाँ कहाँ से निकाला जाता है भारत में। तो जो टॉप थ्री हैं उन्हीं की बात करेंगे हम, टॉप थ्री भारत में तांबा, भारत में तांबा। देखिए भारत में तांबा तीन प्रदेशों में बात करेंगे हम, तीन प्रदेशों में। पहला है मध्य प्रदेश, अब हम उत्पादन के दृष्टिकोण से बात करेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पर है आपका, ये इलाका मध्य प्रदेश है, जैसे यहाँ से आप देखते हो कि इस तरह से राजस्थान का कुछ पार्ट और यहाँ फिर ये यूपी का पार्ट है, और इस तरह से आप यहाँ इस तरह से मध्य प्रदेश का इलाका आप देखते हो। मध्य प्रदेश में यहाँ पर है बालाघाट, ये कौन सी जगह है, ये है बालाघाट, बालाघाट मध्य प्रदेश एमपी, बालाघाट एमपी जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ से उत्पादित किया जाता है तांबा। और यहाँ पर दो, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बालाघाट, सबसे पहले बालाघाट हम दर्ज करें, बालाघाट, बालाघाट में दो प्रमुख खाने हैं, दो खाने हैं जहाँ से निकाला जाता है ये। एक है तरेगांव, एक खान का नाम है तरेगांव, और दूसरा जो है मलाजखंड, मलाजखंड। देखिए दोनों प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसीलिए दोनों आपको याद रखने हैं। क्षेत्र जो है वो प्रमुख क्षेत्र है बालाघाट, और वहाँ पर दो क्षेत्र जो है छोटे छोटे बालाघाट में, तरेगांव और मलाजखंड, जिसमें मलाजखंड सबसे ज़्यादा जाना जाता है, मलाजखंड, मलाजखंड ये। तो यहीं बालाघाट में कौन सी दो खाने हुई, एक हुई तरेगांव और दूसरी हुई मलाजखंड, मलाजखंड। ये तांबा जो है बालाघाट का सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन भारत में, भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो बालाघाट में ही होता है। और यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है, देखिए एक कंपनी है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कापर लिमिटेड, कापर लिमिटेड HCL, ये जो है पूरे देश में कापर का निष्कर्षण का काम यही कंपनी करती है, और इसकी चार इकाइयां हैं देश में, इसकी चार यूनिट हैं जो निकालती हैं कापर। देखिए चार यूनिट हैं इसकी, ये जो हिंदुस्तान कापर लिमिटेड है इसकी चार जगह जो है ब्रांच है, मेन मुख्य ब्रांच है, चार यूनिट। तो इसमें से जो बालाघाट है, बालाघाट के मलाजखंड में, मलाजखंड में इसकी यूनिट है मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट, मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये HCL की इकाई है, HCL की इकाई।
आपको मैचिंग करने के लिए दिया जा सकता है। मलाज खंड कापर प्रोजेक्ट को मिलाइए तो मध्य प्रदेश से मिलाएंगे। मध्य प्रदेश में जो हिंदुस्तान कापर लिमिटेड है, जो कापर निकालने का काम करती है, तो हिंदुस्तान कापर लिमिटेड की कौन सी इकाई मध्य प्रदेश में काम कर रही है? खान है वहाँ की मलाज खंड, उसी के नाम से इसको मलाज खंड कापर प्रोजेक्ट नाम दिया जाता है। अब देखिए, तो मध्य प्रदेश के हमने दो देखे, तरेगांव और मलाज खंड बालाघाट। अब दूसरे नंबर पे जो है आपका, ये है राजस्थान, यहाँ पर पड़ता है ये राजस्थान। तो राजस्थान में आपके दो ज़िले हैं, अलवर और झुंझुनू। दो पॉइंट आप लगा लें, एक है अलवर और एक है झुंझुनू ज़िला। झुंझुनू, नाम सुना होगा झुंझुनू, ये दो हैं कहाँ के? राजस्थान के। ये इलाका आप राजस्थान मान लीजिए, इस तरह से यहाँ गुजरात से लगता हुआ ये राजस्थान हो गया। तो राजस्थान का अलवर ज़िला, झुंझुनू ज़िला, ये राजस्थान के दो ज़िले हैं जो कापर प्रोडक्शन में अग्रणी हैं। और राजस्थान में ही भारत की सबसे पुरानी खान खेतड़ी खान जो है वो झुंझुनू में खेतड़ी खान है। तो यहाँ की दो खानें आपको याद रखनी है राजस्थान की, दो, एक है खेतड़ी, खेतड़ी खेतड़ी जो है प्राचीन खान है, प्राचीन खान सबसे पहला जो है कापर यहीं से निकाला जा रहा है प्राचीन काल से ही। और दूसरी है खोदरीवा भगोनी, खोदरीवा भगोनी। आपसे पूछा जाता है कि दरीबा क्षेत्र या खेतड़ी क्षेत्र जो है वो कहाँ है? तो दरीबा और खेतड़ी ये दोनों राजस्थान के झुंझुनू अलवर क्षेत्र में पड़ते हैं और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ तांबे का निक्षेपण बहुत ज़्यादा है, बहुत तांबा यहाँ पर जो है पाया जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा तांबा यहीं है, सबसे प्राचीन खान भी यहीं है, लेकिन उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप पर है, जबकि मध्य प्रदेश भंडार में तीसरे नंबर पर है, झारखंड दूसरे नंबर पर है भंडार में। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है राजस्थान में, यहाँ हिंदुस्तान कापर लिमिटेड की कौन सी इकाई काम कर रही है? इसको मिलाने को आपको दिया जाएगा, इकाई का नाम दिया जाएगा और प्रदेश का नाम या खान का नाम मिलाने को दे सकता है वो। तो यहाँ पर राजस्थान में जो इकाई काम कर रही है वो है खेतड़ी, यहाँ पर जो काम कर रही है वो है खेतड़ी, खेतड़ी खान है वहीं पर है, खेतड़ी कापर कॉम्प्लेक्स, कापर कॉम्प्लेक्स। ये किसकी इकाई है? HCL की इकाई, HCL की इकाई। ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो खेतड़ी कापर कॉम्प्लेक्स को कहाँ से मिलाएंगे? राजस्थान से। मलाज खंड को कहाँ से मिलाएंगे? बालाघाट या मध्य प्रदेश से, तांबे के लिए है ये सभी HCL के ही पार्ट हैं। अब देखिए तीसरा क्षेत्र जो हमारा है वो है झारखंड, यहाँ पे लिख गया काफ़ी, लेकिन चलिए यहीं पर हम झारखंड मान लेते हैं, यहाँ पर डॉट लगा लीजिए, अनुमान के लिए डॉट लगा लीजिए, थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये सिंहभूमि क्षेत्र लगभग यहीं पड़ेगा भी उड़ीसा के पास में। तो ये है सिंहभूमि झारखंड, झारखंड और झारखंड का है सिंहभूमि, सिंहभूमि और हजारीबाग दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन सिंहभूमि ज़्यादा फेमस है, सिंहभूमि। तो यहाँ पे नोट जो कर रहे थे उसमें हमने मध्य प्रदेश में बालाघाट में तरेगांव मलाज खंड लिखा और दूसरे नंबर पे हमने बात की राजस्थान की, राजस्थान, राजस्थान में हमने अलवर, अलवर ज़िला और खेतड़ी ज़िला, सॉरी झुंझुनू, खेतड़ी तो खान है, झुंझुनू, इन दो ज़िलों की बात की। और यहाँ पर दो खाने हमने बात की, कौन सी? खेतड़ी खान, खेतड़ी और जो है खोदरीबा, खोदरीबा भगोनी, ये जो है खान है कापर की। तो दो हमने बात की राजस्थान की, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट ज़िला, राजस्थान का अलवर झुंझुनू ज़िला और तीसरा आ गया आपका झारखंड, झारखंड में सिंहभूमि ज़िला, सिंहभूमि, सिंहभूमि में जो प्रमुख खाने हैं वो है आपकी मोसाबानी, यहाँ पर जो खाने हैं वो है मोसाबानी, मोसाबानी, धोवानी,
सोना माखी ये सभी जो है कहाँ की हैं, ये झारखंड के हैं, झारखंड के। और झारखंड में जो HCL की यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इकाई काम कर रही है उसका नाम है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो शाखा काम कर रही है वो कौन सी है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो ये यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स ये HCL की है। तो तीन जो टॉप थ्री हैं वो है मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में दो खाने आपको याद रखनी है, तरेगांव मलाजखंड, और मलाजखंड में ही सर्वाधिक उत्पादन होता है। मलाजखंड कापर प्रोजेक्ट HCL की इकाई काम कर रही है। राजस्थान में खेतड़ी कापर कॉम्प्लेक्स जो है वो करता है खोदरीबा और खेतड़ी खानों में जो झुंझुनू और अलवर जिले में हैं। और तीसरा है सिंहभूमि जिला झारखंड, जहाँ पे मोसाबानी धोवानी सोनामाखी ये सभी कापर की विशेष खाने हैं। तो तीन प्रदेशों में विशेष करके बात की हमने, इसके अलावा सोना जो कापर है वो कहाँ पाया जाता है, तो एक दो जगह और आप नोट कर लीजिए, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको मैच में कभी मिलाने को दिया जा सकता है। देखिए कर्नाटक में चित्रदुर्ग से जो है निकाला जाता है, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में यहाँ पर ये जो कर्नाटक एरिया इस तरह से आपका पड़ेगा, तो यहाँ पे है चित्रदुर्ग में निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश में आपको एक स्थान याद रखना है, आंध्र प्रदेश गुंटूर। और सिक्किम में भी निकाला जाता है कापर, सिक्किम ऊपर पड़ेगा आपका, झारखंड के और ऊपर जाएंगे असम से मिलता हुआ, तो सिक्किम में आपको जो है, यहाँ पे आपका झारखंड है, इधर वेस्ट बंगाल, और यहाँ ऊपर जाएंगे तो सिक्किम पड़ता है इंडिया के मैप पर। तो आपको सिक्किम में जो स्थान मिलेंगे कापर के वो हैं रंगपो और भोटांग ये हैं। तो इतने आपको कापर के सभी साइट्स याद रखने हैं। चलिए इसको सरल करते हैं। सरल ये करना है कि आपको कापर के विषय में अगर बात करेंगे तो कापर के जो अयस्क हैं चिल्कोपायराइट, चिल्कोसाइट और बोरनाइट, तीन प्रमुख अयस्क हैं। धारवाड़ क्रम की सिस्ट और फाइलाइट चट्टानों में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है, भारत में तीन प्रदेशों में मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है, मध्य प्रदेश राजस्थान झारखंड, यही तीन प्रमुख प्रदेश हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, झारखंड का झुंझुनू जिला, राजस्थान का झुंझुनू जिला और झारखंड का सिंहभूमि जिला, तीन जिले हैं बालाघाट, झुंझुनू और सिंहभूमि, इन्हीं तीन जिलों से सबसे ज़्यादा कापर निकाला जाता है। बाकी चित्रदुर्ग है, गुंटूर है, और जो है आपका सिक्किम से भी कुछ निकाला जाता है थोड़ा बहुत कापर का निष्कर्षण। तो ये कापर के विषय में इतना आपको याद रखना है। कापर हमारे यहाँ कम पाया जाता है, विश्व का 1%, हम अपनी आवश्यकता भर का भी उत्पादित नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम USA मैक्सिको जैसे देशों से आयात करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं सोना। देखिए सोना जो है वो भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है, और प्रमुख रूप से कर्नाटक में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वहाँ से सोना निकाला जाता है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार हैं, और सबसे ज़्यादा सोना जो है वो कर्नाटक से ही निकाला भी जाता है। सोना गोल्ड किसमें गिना जाता है, देखिए गोल्ड भी एक धातु है, ये भी एक अलौह धातु, इसमें भी लोहा नहीं होता है, और ये एक बहुमूल्य धातु। किस काम में आती है, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जो है इसको मान्यता मिली है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
सोने के रूप में, बैंकिंग के सेक्टर में इसका यूज होता है, और आभूषण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सोने के उपयोग हैं। किस चट्टानों में पाई जाती है, तो ये भी जो है धारवाड़ में ही पाई जाती है, धारवाड़ चट्टानों में पाई जाती है, और कुछ नदियों की रेत में भी पाई जाती है, नदियों की रेत में, सभी नदियों की नहीं, कुछ नदियां हैं जैसे सुवर्ण रेखा वगैरह, उन नदियों की रेत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सोर्स से कभी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कुछ नदियों की रेत में भी सोना मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। सुवर्ण रेखा नदी जो है आपको झारखंड उड़ीसा के क्षेत्र में उसमें मिलता है। तो अलौह धातु ये भी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, और भारत में इसकी आवश्यकता खपत बहुत ज़्यादा है, विश्व में सर्वाधिक खपत भारत में है, विश्व में सर्वाधिक खपत कहाँ है, भारत में, इसके बाद जो है चीन में है, इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे चीन आता है, और भारत में कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में ही सर्वाधिक भंडार है और उत्पादन दोनों ही दृष्टिकोण से प्रथम है, भंडार में भी और उत्पादन में भी, दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे तो कर्नाटक प्रथम स्थान है। देखिए ये इंडिया का मैप अगर आप ले लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो यहाँ पर आपका स्टेट पड़ता है कर्नाटक, इस तरह से कुछ कर्नाटक है, ये यहाँ पे गोवा है। तो कर्नाटक का ये जो मैसूर क्षेत्र है, मैसूर क्षेत्र में एक आपको खान मिलेगी कोलार, और एक खान मिलेगी आपको हट्टी खान, ये दोनों कहाँ हैं, कर्नाटक की दो खाने हैं जहाँ पे सोना निकाला जाता है, एक है कोलार, कहाँ है, मैसूर में, और दूसरी है हट्टी खान, ये रायचूर जिलों में है, रायचूर। तो ये कोलार और हट्टी दो प्रमुख खाने हैं कर्नाटक की, जहाँ से सोने का उत्पादन किया जाता है, और सोना यही भंडार भी ज़्यादा है। देखिए कोलार से जो सोना निकाला जाता है वो RBI जो है उसका करती है यूज के लिए उपयोग, और हट्टी खान से जो है वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको अधिकार प्राप्त है। तो कोलार से जो सोना निकाला जाता है उसका जो है व्यापार वगैरह जो भी वो है RBI के माध्यम से होता है, और हट्टी खान वाला SBI के माध्यम से किया जाता है। तो ये हो गया आपका सोना। अब कर्नाटक के अलावा आपका झारखंड इलाका है, ये है आपका झारखंड में भी कुछ सोना पाया जाता है, यहाँ की कुछ नदियाँ हैं वो जलोढ़ सोना पाया जाता है वहाँ पे। देखिए झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में सिंहभूमि है। देखिए झारखंड में छोटा नागपुर पठार का ये इलाका क्या है, ये है सिंहभूमि, यहाँ से सोना निकाला जाता है झारखंड में सिंहभूमि। यहाँ की एक खान जो है याद कर लीजिए आप, कुंद्रा कोचा सिंहभूमि में ही है, और यहाँ से सोना निकाला जाता है। अब यहाँ की कुछ नदियाँ भी हैं, जलोढ़ सोना निकाला जाता है यहाँ से, एलुवियल गोल्ड, जलोढ़ सोना जो है नदियों की रेत में जो पाया जाता है उसको कहते हैं, नदियों की रेत में, यानी कि नदियों की रेत को भी फिल्टर करके उससे भी कुछ सोना निकाला जाता है, वो जलोढ़ सोना कहलाता है, और वो झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ नदियां हैं जैसे सुवर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, गर्री, ये सभी नदियां हैं यहाँ पर।
वहाँ से जो है जलोढ़ सोना भी निकाला जाता है। आपसे क्वेश्चन अगर कर दिया जाए कि जलोढ़ सोना कहाँ पाया जाता है, तो जलोढ़ सोना झारखंड में नदियों में सुवर्ण रेखा, इसीलिए उसका नाम भी है सुवर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल और गरी नदियाँ होती हैं। तो सोने में भारत जो है कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में और उसके भंडार में, जहाँ की दो खाने हैं कोलार और हट्टी, और झारखंड में एक खान है सिंहभूम में कुद्रा कोचा। और ये भी हमने बताया कि जो कोलार खान से सोना निकलता है वो RBI के द्वारा, और जो हट्टी खान के क्षेत्र से निकलता है वो SBI के द्वारा जो है औद्योगिक उपयोग हेतु जो है निर्गमित किया जाता है, यानी औद्योगिक उपयोग हेतु जो निर्मुक्ति की जाती है वो RBI और SBI के द्वारा की जाती है इस सोने की। तो यहाँ पर ये गोल्ड हो गया। गोल्ड के बाद में हम देखें कि सिल्वर, चांदी जो है वो भारत में कहाँ कहाँ से निकाली जाती है। चांदी जो है वो भी एक बहुमूल्य धातु ही है, जैसे सोना है वैसे ही ये भी एक बहुमूल्य धातु है। देखिए इसको कहाँ, ज़्यादा इसमें आपको जानना नहीं है चांदी के विषय में, बहुत ईजी है चांदी। सिल्वर भी एक अलौह धातु है। ये क्या है, अलौह धातु है, इसमें भी लोहा नहीं होता है, अलौह धातु, और ये भी जो है बहुमूल्य धातु में गिनी जाती है, बहुमूल्य धातु। कहाँ पाई जाती है, ये अम्लीय जो अग्नेय चट्टाने होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टाने वहाँ पाई जाती है। ये चांदी जो है वो मिश्रित रूप से पाई जाती है, चांदी मिश्रित रूप से पाई जाती है, यानी कि ये विशुद्ध रूप से नहीं होती है, मिश्रित रूप में पाई जाती है। मिश्रित रूप का मतलब है कि ये तांबा सोना जस्ता इत्यादि के साथ मिली हुई पाई जाती है। भारत में कोई पृथक ऐसी खान नहीं है जहाँ से सिर्फ चांदी ही निकाली जाती हो। तो ये किसके साथ में, सोना तांबा जस्ता के साथ पाई जाती है, और भारत में इसकी कोई विशुद्ध खान नहीं है। भारत में चांदी की विशुद्ध यानी केवल चांदी की खान हो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, खान नहीं है। तो जो सोना और तांबा के क्षेत्र हैं वहीं से चांदी भी निकाली जाती है, कोई ऐसा स्पेशली आप नहीं कह सकते हो कि यहाँ से चांदी ही निकाली जाती है। तो चांदी में देखिए कोलार और हट्टी, यहाँ से भी सोना और चांदी, यहाँ पर सोना भी है और चांदी भी है, सोना प्लस चांदी। ये जो झारखंड का सिंह भूमि है यहाँ भी सोना है प्लस चांदी है। तो यानी कि ये जो सोने के क्षेत्र हैं वही तांबे के भी क्षेत्र हैं, लेकिन इसमें जो प्रथम है वो देखिए, उसमें सोना में तो प्रथम है कर्नाटक, लेकिन राजस्थान इसमें प्रथम है। राजस्थान का जो है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इनका जो है जवार क्षेत्र संबंधित है चांदी से, और ये प्रथम है भारत में। सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में होता है, जवार क्षेत्र इसको बोला जाता है, जवार क्षेत्र, यहाँ पे चांदी का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप निशान लगाइए चित्तौड़गढ़ चांदी के लिए राजस्थान का चित्तौड़गढ़ क्षेत्र जो है वो सबसे प्रमुख क्षेत्र है। बाकी हमने मैप पर आपको बताए झारखंड का सिंह भूमि और कोलार और हट्टी खाने कर्नाटक की, ये भी जो है चांदी में आती हैं, सोने में भी और चांदी में भी, लेकिन यहाँ चित्तौड़गढ़ से सोना नहीं निकाला जाता, यहाँ चांदी निकाली जाती है। विशुद्ध रूप से चांदी की कोई खान नहीं है, चांदी सोना तांबा जस्ता इत्यादि के साथ में मिक्स रूप से पाई जाती है, और चांदी का प्रयोग भी जो है वो सिक्के बनाने, आभूषण बनाने और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इत्यादि में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कॉपर सोना और चांदी के विषय में जाना। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।